अभी हम लोग स्कूबा करके आ गए हैं और आके वापस फ्रेश वगैरह होके दोबारा से जा रहे हैं। अभी हम लोग राधानगर बीच जा रहे हैं और बहुत सुना है उसके बारे में, बहुत ही सुंदर सा बीच है जो मैंने वीडियोस फ़ोटोज़ में देखा है। तो अभी वहाँ पर जाके देखते हैं कैसा है, और काफ़ी अच्छा गेटअप इन्होंने किया है। ये मेरी स्कूटी, ये कल से हमारा बहुत साथ दे रही है, अभी इससे जाएंगे हम लोग। रेडी टू गो, वेयर वी आर गोइंग? राधानगर बीच। राधानगर बीच, यस। आई थिंक राधानगर बीच इज वेरी ब्यूटीफुल ना, राधानगर इज ऑसम। राधानगर बीच पहुंच रहे हैं और यहाँ पे कुछ खाने के लिए बैठे हुए। हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, सिर्फ मैगी और चाय खाया था। तब ये देख रहे हैं कुछ पसंद आएगा तो वो ऑर्डर करेंगे और फिर खाएंगे। गाइस ये यहाँ का मार्केट है, देख सकते हैं, और वो रहा सामने बीच, वहीं से जाना है। वी आर रीच्ड एट राधानगर बीच एंड यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। अब वो जो कल मैं जिस बीच पे गई थी, बारिश की वजह से क्राउड कम था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा क्राउड है और बीच का एरिया भी काफ़ी बड़ा है जितने भी टूरिस्ट लोग हैं। लेट अस सी आगे। बहुत ही फेमस बीच है यहाँ का, हैवलॉक का। बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे, और इसमें लहरें भी काफ़ी ऊंची ऊंची हो गई हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं ज्योति खूब एंजॉय कर रही हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है। और भागो, मिस्टर गए हुए हैं लहरों के बीच में एंजॉय करते करने, और मैं शूट कर रही हूँ। बहुत ही प्यारा व्यू है, लहरें काफी ऊपर ऊपर उठ रही हैं, आप लोग देख सकते हो, वाव काफी ऊपर, वाव। जल्दी जल्दी जल्दी, ये देख सकते हो लहरों, ये गीले हो चुके हैं पूरी तरह से, पानी पानी पानी। Thank you.
बताता हूँ, बता रहा हूँ कौन है। चलिए सर, आप तो वार्ड से ऊपर आ गए हैं, अभी हाई टाइड शुरू हो गया है। घर पानी पीने आए हुए हैं, बीच के साइड में मिल रहा था तो हम लोगों ने सोचा नारियल पानी पी लेते हैं। बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, बहुत तेज प्यास भी लगी हुई है। तो मीठा है पानी, बहुत अच्छा है। और इसे यहाँ पे कितना ज्यादा क्राउड है। ये लोग बीच से आ रहे हैं अभी, क्योंकि बीच अभी क्लोज हो गया है। जितने भी लोग थे उनको सिक्योरिटी ने वापस कर दिया है। नारियल पानी पी रही है मैडम, ये यहाँ का मार्केट है राधानगर बीच का। अभी ये फोटो ही लेने के लिए आया हुआ है, जो हमने इसको डाइविंग किया था। फाइनली अब हम नहा के रेडी होके बैठ गए हैं। हमने पूरे दिन बहुत मस्ती की, हम लोगों ने मॉर्निंग में सबसे पहले स्कूबा किया। स्कूबा से पूरा माइंड एकदम फ्रेश हो गया, क्योंकि उसका तो एक अलग ही एक्सपीरियंस है, वो तो मैं ऐसे नहीं शेयर कर सकती हूँ। उसको मैं वीडियो के थ्रू आपको दिखाऊंगी, आप लोग को भी अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद हम लोग राधानगर बीच पे गए थे और वहाँ पे हमने बहुत मस्ती की, क्योंकि वहाँ बहुत हाई टाइड्स आ रहे थे और बहुत बहुत मजे आ रहे थे। मैंने तो खूब मस्ती की, बट मेरे पास थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी, बट उतने में ही हमने बहुत मस्ती की। उसके बाद फाइनली हम होटल आ चुके हैं और आके आप लोग देख ही रहे हो। उसके बाद अब हम डिनर करने जाएंगे, डिनर करने के बाद देखती हूँ क्या करना है। निकल चुके हैं, रेस्टोरेंट देख रहे हैं किसमें ढंग का खाना मिल जाए। इंडियन फूड, यहाँ सी फूड ज़्यादा मिलता है, तो हमें इंडियन फूड खाना है, वेज प्योर वेज खाना है, उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। हम लोग आए हुए हैं डिनर करने के लिए और ऑर्डर दे के बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में खाना आने वाला है, भूख भी लग रही है। सुबह से क्योंकि हम लोग दौड़ रहे थे, रिलैक्स होकर अभी बैठे हैं, खाना खा के बस जाके सो जाना है। तो मैं अभी डिनर करके आ गया हूँ, हम दोनों लोग आ गए हैं और अभी ये तो सो गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान था सुबह से, मुझे भी बहुत ज़्यादा थकान हो रखी है, तो मैं भी थोड़ी देर में सोऊंगा। और आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।